और लोंडो, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज अपन दोबारा से एक काल्पनिक वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि एक लोंडे ने मुझसे पूछा था कि भाई यूनर हमारी एकेडमी की सबसे बड़ी फाइट में होती तो उस फाइट का क्या होता। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसे ही वो लेंडू हमारे लोंडे पर हमला करता ना, तो उसे वही मार दिया जाता। और अगर यूनर उसे वहाँ पर नहीं मारती, तो जब हमारे लोंडे को उस लेंडू ने कैद किया था और उस पर उस भाले से हमला किया था, तो हमारी यूनर सांसद और विधायक की जगह वहाँ पर पहुँच जाती और उस भाले को रोक लेती और उसके हाथ में एक गोल्डन ओरा चमकता और उस लेणू का खेल खत्म, मतलब कि वो मारा जाता। और जब पोला डार्क फ्लेम उस गोल्डन कलर के ओरे को देखती ना, तो वो वापस उसी गड्ढे में छुप जाती भीगी बिल्ली की तरह, और सबसे बड़े प्रिंसिपल से कहती, ना बाबा ना, मैं कभी भी नहीं निकलूंगी, मुझ पर सील चढ़ा दो। और यह सब देखते ही उस धोखेबाज की पैंट गीली हो जाती, क्योंकि वो इतने में ही समझ जाता है कि इस लड़की के पास चौथे या फिर सातवें नंबर की सबसे पावरफुल फ्लेम है। इसलिए या तो वो अपनी वहां से लुंगी उठाकर भाग जाता, या फिर लालच में आ जाता कि इस लड़की को मारकर इसकी फ्लेम ले लेता हूं। और जैसे वो धोखेबाज हमारी यूनर की ओर आगे बढ़ता ना, तो हमारी यूनर के सामने एक चील जैसा दिखने वाला आदमी प्रकट होता। और भाई उस आदमी को देखते ही एकेडमी का सबसे बड़ा प्रिंसिपल पीछे हो जाता, क्योंकि वो इतने में ही समझ जाते कि इस लड़की के पास है जेट सिक्योरिटी, मतलब कि फुल सिक्योरिटी, इसलिए हमें अब बीच में पड़ना ही नहीं चाहिए। और वो चील जैसा दिखने वाला आदमी सबको अकेला ही संभाल लेता। और अगर मान भी ले कि ब्लैक कॉर्नर के बंदों को वो अकेले नहीं संभाल पाते और हारते हुए दिखते, तो वो एक सिग्नल भेजते जिसके कारण वहाँ पर दो और घुसड़ बुड्ढे आ जाते। और भाई उन दोनों घुसड़ बुड्ढों को देखते ही आस पीस के सभी लोगों की हवा टाइट हो जाती, क्योंकि ये डाउ जोंग के बंदे होते। और हाँ, इस लेवल का पता आपको ऐसा लग सकता है कि जो हमारा अरसू है ना, मतलब कि धोती चोर, उसे एक अटैक में ही मार देते। और अगर मान भी लें कि ये दोनों घुसड़ बुड्ढे हारने लगते, वैसे तो इन्हें हराना नामुमकिन है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर मान लेते कि ये हार जाते, तो ये अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक पेंसिल निकालते और उस पेंसिल को तोड़ देते। और भाई उस पेंसिल के टूटते ही एक वहां पर पोर्टल क्रिएट होता और उस पोर्टल में से एक और घुसड़ बुड्ढा निकल कर आता। और इस घुसड़ बुड्ढे का रैंक ऑलमोस्ट डाउ शेंग तो होता ही। वैसे यहां तक फाइट पहुंचना तो असंभव है, क्योंकि इस लेवल के बंदे जानते हैं कि इस लड़की से बोलना मतलब कि अपने पैरों पर कुलाली मालने के बराबर है, क्योंकि इस लड़की का जो बाप है ना, वो बहुत ही ज्यादा हरामी इंसान है। और अगर उसे पता चल गया कि भाई उसकी बेटी पर किसी ने हमला किया है, तो भाई वो उसे घर में घुसकर मार देगा। इसलिए भाई पावरफुल इंसान तो हमारी यूनिट से हमेशा ही दूर रहेंगे, सिर्फ हमारे लोंडे को छोड़कर। खैर कोई बात नहीं, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं, सीधे सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय। और हाँ, कमेंट में बताना कि आपको कौन सी काल्पनिक वीडियो चाहिए अब। तो टेक केयर एंड बाय।